आज हम लोग फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अर्थात ऐसे कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है के बारे में पढ़ेंगे। चालक का प्रतिरोध वैसे तो बहुत बातों पर निर्भर करता है या कारकों पर, लेकिन आपके बुक में 10th के अनुसार सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि उसके लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर, मोटाई पर और प्रकृति पर। लंबाई कहने का मतलब है यदि हम चालक की लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, चालक की लंबाई को घटाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी घटता है। अर्थात सीधे बातों में सीधे कहे जाए तो चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब आता है एरिया या क्षेत्रफल, अर्थात अगर हम तार की मोटाई को बढ़ा दें दो बार तीन बार कर दें तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा, अगर तार की मोटाई को कम कर दें उसे पतला कर दें तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसका मतलब है चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा प्रतिरोध बढ़ेगा जब उसका मोटाई कम हो जाएगा, प्रतिरोध घटेगा जब उसका मोटाई बढ़ जाएगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इसे समीकरण एक और इसे समीकरण दो मान के रख लेते हैं। अब आता है तीसरा नेचर कि आपका चालक कैसा है, वो कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम है, लोहे का तार है या गोल्ड है या सिल्वर है या एक्स्ट्रा क्या क्या है, उस पर निर्भर करता है क्योंकि भिन्न भिन्न चालकों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। अब हम समीकरण एक और दो को एक साथ मर्ज करते हैं तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, एक नियतांक देते हैं कॉन्स्टेंट जिसको रो कहा जाता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पी के जैसा देखने में लगता है हालांकि है नहीं वैसा। अब R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, जहाँ रो एक कॉन्स्टेंट है या नियतांक है, रो ऐसे लिखा जाता है, एक्चुअली ये प्रतिरोधकता का सिंबल है या रेजिस्टिविटी का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।